सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज जो मेरी ये वीडियो है, ना ही मेरा ये कोई व्लॉग है, ना ही मैं कोई आप लोगों को किसी चीज का रिव्यू दूंगी, और ना ही मैं कोई मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। खास करके मैं उन लोगों के साथ बातें करने चाहती हूँ जो लोग यूट्यूब को काफी ज्यादा देखते हैं, यूट्यूब पे काफी ज्यादा लाइव रहते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रियादीप दी के बारे में। हाँ जी, प्रियादीप दी एक बहुत ही जाना माना नाम है। आप सभी लोगों ने यूट्यूब पे उनका चैनल देखा होगा। वो बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाती हैं, मेकअप ट्यूटोरियल दिखाती हैं, अपना ब्लॉग, अपना डेली रूटीन दिखाती हैं। तो उन्हीं के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ गाइस। मैं प्रियादीप दी को लगभग 1.5 साल से फॉलो कर रही हूँ और मुझे उनकी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। मुझे उतना उनका मेकअप ट्यूटोरियल पसंद नहीं आता है जितना कि उनका व्लॉग वीडियो जो वो अपने मायके से रिलेटिव या फिर अपने ससुराल से रिलेटिव या खुद अपना डेली रूटीन दिखाती हैं, वो मुझे पसंद आता है। तो मैं आज उनकी एक वीडियो देख रही थी और मैंने देखा कि वो काफी ज्यादा रूड बिहेव कर रही थी, और उनका रूड बिहेव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। वो इसीलिए गाइस, क्योंकि गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो भेड़ चाल में चलते हैं। तो काफी सारे लोग, काफी सारी जनता ऐसे है जो भेड़ चाल में चल रही है और उनके पीछे हाथ धो के पड़ी हैं। आप लोगों ने अगर उनकी वीडियो देखी होगी ब्लॉग, आप लोगों को पता होगा ही कि कल वो किस चीज पे रूड थी और ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थी। तो जिस चीज पे बवाल उठा था, पहले मैं उसके बारे में बात कर लूं। प्रियादीप दी ने एक वीडियो डाली थी अपनी, जहाँ पे वो और उनकी जेठानी मार्केट गए थे और उन्होंने बताया था कि उन्हें कुछ पर्सनल सामान लेना था। तो इसी चीज पे, उनकी इसी वीडियो पे बहुत ज्यादा पंगा हो गया, मतलब बहुत सारे लोगों ने नेगेटिविटी फैला ली, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट कर लिए। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगी, भले ही लॉकडाउन चल रहा है, अगर जिस भी जगह पे आप लोग रहते हैं वो जगह ग्रीन जोन में है और अगर वहां की मार्केटें खुली हैं और आपको अगर कोई पर्सनल चीज चाहिए होती है तो आप लोग भी वहां पे जाएंगे ना, तो आप दूसरों पे कैसे ये हक जमा लेते हो कि नहीं, इसे नहीं जाना चाहिए, ये जाएगा तो सरकार को इसे रोकना चाहिए, ये गलत कर रहा है। आप लोगों का भी सेक्टर, कॉलोनी, जहां भी आप रहते हैं वो ग्रीन जोन में होगा, तो अगर आप लोगों को भी कोई चीज चाहिए होगी तो आप लोग भी मार्केट जाएंगे ना, तो आप लोग उनपे कैसे उंगली उठा सकते हैं? उन्हें भी तो पर्सनल सामान के लिए वो मार्केट गई थी, उन्होंने आपको दिखाया भी था वीडियो में कि वो किस चीज के लिए गई थी। और अगर वो वहां पे जाती हैं पर्सनल सामान लेने के लिए, हम औरतें होती ही ऐसी हैं, अगर हम एक चीज देखते हैं तो हमें दूसरी चीज पसंद आई जाती है। तो वो भी एक लेडी है, एक औरत है, अगर वो भी कोई सामान लेने गई, उनको कोई चीज की जरूरत पड़ी जो उनके पास अवेलेबल नहीं, तो उन्होंने वो ली, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, क्योंकि वो हमें अपनी फैमिली समझती है, इसीलिए उन्होंने हमें दिखाया। लेकिन आप लोगों ने उस पर भी बवाल मचा लिया कि नहीं, ये उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर लिया कि वो, अरे अगर आप लोग भी औरतें होंगी तो आप लोगों को भी इन चीजों की जरूरत पड़ती है। कोई भी औरत बिंदी, सिंदूर, इन चीजों को ज्यादा स्टोर करके नहीं रखती है, ठीक है, लिमिट में रखते हो ना आप लोग, या फिर साल भर का कोटा भर देते हो, नहीं भरते हो ना, तो भाई वो भी एक लेडी है, उन पर क्यों आप लोग उंगली उठाए जा रहे हैं? बहुत मेहनत करती हूँ बंदी, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी, उनके पीछे मत पड़िए। उन्हीं के बारे में नहीं, मैं उनकी जो भाभी हैं, यूपी ब्लॉगर आराध्या करके शायद उनका नाम है, उन्हें भी मैं ज्यादा फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन करती हूँ। वो भी जब प्रियादी के चैनल पे मैंने काफी बार सुना उनका नाम, तब जाके मैं उनके चैनल पे गई हूँ, अदरवाइज मैं उनको ज्यादा फॉलो नहीं करती हूँ। बट मैंने काफी सारी वीडियो भी देखी, काफी सारे न्यू क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पे न्यू क्रिएटर हैं, उन लोगों ने उनपे भी वीडियो बना डाली और क्या बोला कि क्या दिखाती है चैनल में, फर्स्ट में थोड़ा सा पकाती हैं, उसके बाद फ्री का प्रोडक्ट का रिव्यू देती हैं, उसके बाद फिर दोबारा से पकाना शुरू कर देती हैं, इतना ही से करती हैं और उसके चैनल पे इतने ज्यादा व्यू आ जाते हैं। वो किस लिए, वो किस वजह से आते हैं? उनकी ननद ने उनका चैनल प्रमोट किया हुआ है। इंसानियत सारी मिट चुकी है आप लोगों से, आप कैसे किसी की मेहनत पे उंगली उठा लेते हो? लोग इतनी मेहनत करके कंटेंट लाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों को एंटरटेन करते हैं, अपनी निजी जिंदगी तक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद भी आप लोग बाज नहीं आते उंगली उठाने से। आप लोगों ने उनकी भाभी को भी निशाना बनाया, उनकी भाभी को भी बुरा भला बोला, वो कितनी सीधी है। आप लोगों को क्यों दूसरों की नेगेटिविटी दिखती है, उनकी पॉजिटिविटी भी तो देखो, देखो ना, वो आप लोगों के साथ अपनी पूरी अपनी निजी जिंदगी शेयर कर रहे हैं,
उनकी जगह पे अगर आप लोग अपने आप को रखो तो आप लोग हमारे साथ अपनी निजी जिंदगी शेयर कर दोगे? बहुत कम लोग कंफर्टेबल होते हैं इस साइड पे जो अपनी निजी लाइफ शेयर करते हैं आप लोगों के साथ यूट्यूब के थ्रू, हर कोई नहीं कर पाता है। प्रियदीप जी ने एक बात और बोली थी कल ही अपनी वीडियो में, एक बात बोली थी कि काफी सारे लोगों की उन्होंने मदद की। हाँ की है, मुझे पता है उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है और जितने लोगों की उन्होंने मदद की है मैं उन सभी को फॉलो करती हूँ, चाहे वो ग्लैम विद प्राची हो या फिर दीपक दिया खन्ना हो, उनकी भाभी यूपी ब्लॉगर आराध्या हो या फिर मिसिकास फैमिली हो। मिसिकास फैमिली को और प्रियादीप दीप को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और उन दोनों को देखती हूँ, मुझे दोनों की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन आप लोगों ने जितने भी यूट्यूबर है ना सबके बारे में आप लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई। किसी के बारे में अगर आप लोग अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो उनके बारे में बुरा भी मत बोलिए। इंसान एक टाइम तक अपने बारे में बुरा सुन सकता है यार, वो कितनी बार बुरा सुने। आप लोग उनकी हर वीडियो में नेगेटिविटी पहुंचा रहे हैं। मैं भी एक नए क्रिएटर हैं, मैंने अभी अभी अपना यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, तो कल के डेट में अगर मेरा चैनल पे ग्रोथ करता है तो क्या मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखूंगी कि आप लोग मेरे लिए भी इतनी गाली गलौज देंगे, मुझे भी उल्टा सुलटा बोलेंगे? फिर क्यों हम अपना चैनल बनाए यूट्यूब पे? अरे आप लोगों को तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। अगर जहां पे हम आप लोगों को गलत चीज बता रहे हैं वहां पे आप लोग हमें टोक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आप लोगों के साथ अपनी, आप लोगों को अपनी फैमिली समझ के आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रहा है तो आप लोग उस पर भी बवाल कर रहे हैं। बहुत गलत बात है, बहुत ज्यादा गलत बात। यही नहीं है कि मैं 4-5 यूट्यूबरों को ही फॉलो करती हूँ, मैं बहुत सारे यूट्यूबर को फॉलो करती हूँ। मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों के बारे में देखा जिनको भी मैं फॉलो करती हूँ, हर किसी की एक वीडियो तो ऐसी होती है जिसमें वो बोलते हैं कि हमारे बारे में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, बुरा भला बोला ही जा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? क्या आप लोग फेमस हो जाओगे ऐसा करके? आप लोगों को अपने दम पे, अगर आप लोग न्यू क्रिएटर भी हैं अपने दम पे खड़ा होना चाहते हैं तो अपने दम पे खड़ा होइए ना, दूसरों का नाम खराब क्यों करते हैं? प्रियादीप दी और मिशिका फैमिली से मैं इसीलिए ज्यादा अटैच हूं क्योंकि जैसी उनकी जिंदगी है वैसी थोड़ी बहुत मेरी लाइफ भी है। मैं भी गांव की बंदी हूं। यही आप लोगों से कहना चाहूंगी, किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा बिल्कुल भी मत बोलिए। और एक चीज गाइस और मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, कल प्रिया दी ने ये बात भी बोली थी कि किसी, मुझे नाम तो याद नहीं है, किसी ने कमेंट उनको ऐसा किया था कि तू सिंदूर क्यों लगाती है, बिंदी क्यों लगाती है, इतना खर्चा क्यों करती है। अरे भाई शादी हुई है उनकी तो सिंदूर और बिंदी लगाना तो जायज है ना। मैडम अगर आप लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, अगर आप लोग मैरिड है ना तो आप लोग मत लगाइए, आप लोगों में नहीं लगाते होंगे, लेकिन जो गांव से बिलोंग करते हैं ना उनके लिए सिंदूर और बिंदी ही उनकी सुहाग की निशानी होती है। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उसी चीज पे आया जब दी ने ये बोला कि किसी ने उन्हें कमेंट किया और ये बोला कि तुम बिंदी और सिंदूर क्यों लगाती हो, क्यों दिखावा करती हो। अरे ये दिखावा होता है क्या? कैसी लेडीज हो तुम जो दूसरों पे इस तरीके से उंगली उठाती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। एक अच्छे इंसान के बारे में आप लोग इतना बुरा बोल रहे हो जिन्होंने कि कितनों की हेल्प की है, कितनों का भला किया है, और क्या बुरा दिखाती है वो आपको, क्या गलत दिखाया उन्होंने आपको? आप लोग ये मैं समझना कि मैं उनकी चमची हूं, मैंने इसलिए उनपे वीडियो बनाई है, बहुत हो गया। मैं बहुत देखती हूँ दी के वीडियो, बहुत मैं बोलती हैं वो यार नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उन्हें उल्टा सुलटा बोल रहे हैं। अरे क्यों बोल रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लगता इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को कुछ भी लगे कि मैं अपने प्रमोट होने के लिए या फिर अपना चैनल को ग्रोथ करने के लिए वीडियो बना रही हूं तो वो आप लोग सोच सकते हैं, उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, ठीक है। लेकिन मैं उन्हें काफी टाइम से फॉलो करती हूँ तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके बारे में कोई ऐसे नेगेटिविटी फैलाए। इसीलिए गाइस मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगी, अगर आप लोगों को किसी की वीडियो पसंद नहीं आती है यूट्यूब पे, किसी का ब्लॉग आपको पसंद नहीं आता, तो आप लोग ना देखें, कमेंट ना करें, लाइक ना करें, उसका चैनल बंद कर दें, उसे सब्सक्राइब ना करें। लेकिन किसी के लिए इतनी गंदी गालियां, इतनी बदतमीज बातें बिल्कुल ना बोलें। आप भी एक औरत हैं और आप ही दूसरी औरत पे उंगली उठा रही हैं, क्योंकि आप लोग उनसे जलती हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग ऊंचाइयों पे पहुंचे तो खुद के दम पे हो, दूसरों के दम पे नहीं। तो इसीलिए
उम्मीद आप लोगों से यही करती हूँ, उनका पीछा छोड़ दीजिए, वो बहुत अच्छी बंदी हैं। अगर हम दुनिया में भी ढूंढना ऐसी बंदी हमें कहीं नहीं मिलेगी, ठीक। इसीलिए आप लोग उनका पीछा छोड़ दीजिए, चाहे वो प्रियादीप दी हो या फिर उनकी भाभी हो या फिर मिसका फैमिली वाली हो, उनका पीछा आप लोग छोड़ दीजिए। सो मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, बस आप लोगों से यही आशा करती हूँ गाइस कि किसी के बारे में बुरा ना फैलाएं, नेगेटिविटी ना फैलाएं। वो अपनी मेहनत से इतना सब कुछ करते हैं तो हमें उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि डिसरिस्पेक्ट। तो आप लोग उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें मोटिवेशन कीजिए। सो ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस इतना ही मुझे कहना था। अगर आप लोग सही रहेंगे तो हम लोग सही रहेंगे, अगर आप लोग हमें मोटिवेट करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग सारे यूट्यूबर को मोटिवेट कीजिए, डिमोटिवेट मत कीजिए। कोई भी यूट्यूबर गलत नहीं होता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो न्यू क्रिएटर हैं। मैं भी खुद एक न्यू क्रिएटर हूं, लेकिन मैं किसी के बारे में बुराई नहीं फैलाती हूं, मुझे कोई शौक नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं यार, मैं बहुत सारे यूट्यूबर को फॉलो करती हूं, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगता है, जिन्हें मैं हद से ज्यादा अच्छा मानती हूं, प्रियादीप दी, उनके बारे में मैं नेगेटिविटी नहीं सुन सकती। सो आप लोगों से यही आशा करती हूं, आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। मोटिवेट करने की कोशिश करें, डिमोटिवेट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें।